रहमान रहीम, आज ये सारे बच्चे जो ख्वाजा फरीद कॉलेज के स्टूडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार में आए, और हमने हत्तुलबसा कोशिश की कि हम इनकी आवाज़ को और बाप अख्तियार तक पहुँचाएँ, वाइस चांसलर तक पहुँचाएँ, गवर्नर तक पहुँचाएँ, चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचाएँ, वज़ीर तालीम तक पहुँचाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार की कैबिनेट ने यूनानिमसली म्यूचुअली एक यहाँ पर रेजोल्यूशन पास की और इनके लिए आवाज़ उठाई और इनके लिए पूरे प्रेस मीडिया को इकट्ठा किया। और अभी मुझे जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इंशाल्लाह इनका काम होने के बहुत नज़दीक है, और हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों के साथ साथ जो बाकी के आने वाले बच्चे हैं उनके भी मसले हल हों और वो भी इस तरह से सफ़र ना करें। ये बच्चे आज अगर बाथरूम तक आए हैं मतलब जस्टिस डिनाइड है, जस्टिस नहीं मिल रहा, इंसाफ की फरहमी नहीं हो रही। जो ये बच्चे जिनको इस वक्त कॉलेज में क्लासों में होना चाहिए था ये बाथरूम में आए, तो अभी हम इंशाल्लाह पूरे हमारी वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, हमारी समाजी तंजीमें इन बच्चों के साथ हैं, और जब तक ये चीज़ को इंसाफ नहीं मिलता हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। और इसके लिए अगर हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़ा, रिट भी करना पड़ा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनके लिए जाएंगे और बाकायदा तौर पर इनके लिए रिट करेंगे हम लोग। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि ये इन बच्चों ने हमारी तरफ देखा है कि नहीं यही एक बरादरी है जो हमारे हक के लिए लड़ सकती है, जो कि शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास आए, हमारे घर तक आए, हम इनको वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह ताला इनका मसला हल करवा के ही हम दम देंगे। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जैसे आप लोगों ने।